नमस्कार दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी का बीजेपी प्रवक्ता ने मजाक उड़ाया। पूरी दुनिया के मुस्लिम मुल्क भारत देश से नाराज हो गए। आज मैं आपको पैगंबर मोहम्मद की शादी कब हुई, किससे हुई, जिनसे हुई उनसे क्यों हुई, 10 शादियों का जिक्र करके जो मजाक बनाया गया क्या वो सही है, क्या कुछ भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों वाले किस्से से कुछ मिलता जुलता है क्या, आज मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुकू एफएम के बारे में बताना चाहती हूँ। ऐसे गूढ़ ज्ञान के लिए डाउनलोड करिए कुकू एफएम, हर घर में कुकू एफएम, क्योंकि कुकू एफएम को हर घर में सब सुनते हैं। माइथोलॉजिकल, बायोग्राफी, साइंस और हिस्ट्री, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद के बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं। इंडिया आफ्टर गांधी जैसी बुक समरीज को भी आप आराम से सुन सकते हैं। दोस्तों असंख्य विषयों पर ज्ञान से भरी 4,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स आपका इंतजार कर रही हैं। अगर मेरे प्रोमो कोड घर50 यानी घर50 का इस्तेमाल करेंगे तो ईयरली सब्सक्रिप्शन जो कि 399 रुपए का है वो आपको मात्र 199 का मिल जाएगा। ऑफर केवल 11 से 19 जून तक का ही है, तो जल्दी कीजिए। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि शादी के वक्त हजरत आयशा की उम्र को लेकर इस्लामिक स्कॉलर्स की राय एक नहीं है। भारत से फरार चल रहे इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक का कहना है कि मेडिकल साइंस के मुताबिक जब किसी लड़की को पीरियड्स होने लगते हैं तो वो शादी के योग्य मान ली जाती है। कुरान में भी लड़की और लड़कियों की शादी की उम्र तय नहीं की गई है, बस इतना कहा गया है कि जब लड़की और लड़कियां बालिग हो जाएं तो उनका निकाह कर देना चाहिए। मुस्लिम धर्म गुरुओं के मुताबिक दुनिया के हर किस्से में लड़कियों को पीरियड्स की उम्र अलग अलग बताई जाती है। ठंडे इलाकों में लड़कियों का मासिक धर्म देर से शुरू होता है, जबकि गर्म देशों में 9 से 10 साल में शुरू हो जाता है। सऊदी अरब एक गर्म जलवायु वाला देश है। मुस्लिम जानकारों के मुताबिक वहाँ की लड़कियाँ 10 साल में ही बड़ी हो जाती हैं। मुस्लिम स्कॉलर्स के मुताबिक उस समय हजरत आयशा की नबी से शादी 9 साल में बालिग उम्र में हुई थी। दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट दारुल इफ्ता के मुताबिक हजरत मोहम्मद साहब से हजरत आयशा की जब शादी तय हुई थी तब उनकी उम्र 6 साल की थी। जब उनकी रुखसती यानी जब उनकी विदाई हुई यानी जिसे गौना भी कहा जा सकता है तब उनकी उम्र 9 साल कुछ महीने की थी। सही बुखारी के मुताबिक नबी से निकाह के वक्त हजरत आयशा की उम्र 6 साल थी और नबी की उम्र 53 साल की थी, मगर उनकी रुखसती 9 साल की उम्र में तब हुई जब वो शारीरिक रूप से बालिग हो गई और रुखसती का ये पैगाम उनकी माँ ने ही भिजवाया था। जामिया मिलिया इस्लामिया से इस्लामिक रिसर्च में एमए कर चुके अब्रार अहमद कहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड में रिसर्च बहुत कम हुए हैं। मौलवियों ने सुनी सुनाई बातों पर ही आमतौर पर कायम तारीखी रिवायतों को ज़्यादा फॉलो किया हुआ है। दरअसल मोहम्मद साहब और हजरत आयशा की शादी कोई अचानक नहीं हुई थी, इसे लेकर एक पूरा प्रसंग है। उनकी पहली पत्नी की मौत के लगभग 10 साल बाद हजरत आयशा से शादी तय हुई थी। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि शादी के वक्त हजरत आयशा की उम्र 19 साल की थी। भोपाल के मुफ्ती अब्दुल रहमान अहमद कहते हैं हजरत आयशा की उम्र रुखसती के वक्त 18 के आसपास रही होगी। काशना नबुवत किताब में भी हजरत आयशा रजी की शादी के वक्त उम्र 18 साल बताई गई है। उनकी पहले से कहीं शादी तय थी और लड़के वालों ने किसी बात से शादी से मना कर दिया था। इसकी खबर एक औरत ने हुजूर तक पहुंचाई और फिर इसके बाद हजरत आयशा रजी की माँ के पास शादी का पैगाम भेजा गया था। दरअसल हुजूर ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी पहली बीवी हज़रत खादिजा की मौत के बाद 10 और शादियां की और इनमें हज़रत आयशा के अलावा बाकी सब विधवा और तलाकशुदा थीं और अलग अलग परिस्थितियों के कारण समाज से बहिष्कृत महिलाएं थीं। अब्रार अहमद कहते हैं कि इन शादियों का मकसद समझने के लिए आपको पैगंबर मोहम्मद साहब के उस वक्त के उस सामाजिक आर्थिक हालात और कुरीतियों को समझना बेहद ज़रूरी है। उस वक्त पूरी दुनिया में औरतों पर जुल्म हो रहा था। अरब में महिलाओं का बाजार लगता था, लोग एक औरत बेचते और दूसरी औरत खरीद कर घर ले जाते थे, गुलामों की तरह रखते थे, अय्याशी करते थे और फिर कुछ दिन के बाद उसे बेचकर अगले ले आते थे। औरतों के इन हालात के कारण ही वहाँ के लोग लड़की पैदा होते ही उसे गड्ढा खोदकर जीवित दफन कर दिया करते थे। जो औरत विधवा हो जाया करती थी या फिर तलाकशुदा हुआ करती थी उन्हें भी बाजार में बिठा दिया करता था। तब नबी ने इस परिस्थिति और ऐसे बाजार का विरोध किया। लोगों को समझाया कि तुमको कोई औरत पसंद है तो उसके साथ निकाह करो, उसे उसका हक अदा करो, उसको इज्जत दो, सम्मानजनक जिंदगी दो, विधवा से शादी करो, गुलाम से शादी करो या तलाकशुदा से शादी करो, उसे हमेशा अपनी सुरक्षा दो।
इस्लामिक मामलों के जानकार मानते हैं कि तब मोहम्मद साहब के अनुयायियों को ये बातें बड़ी अटपटी लगती थी क्योंकि वो कुरीतियों से अभ्यस्त हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने लोगों का माइंडसेट बदलने के लिए समाज में अलग अलग कारणों से बहिष्कृत और घृणित समझे जाने वाली 9 औरतों से शादी करके अपने समर्थकों और अपने अनुयायियों को ये दिखाया कि तुम्हारे पैगंबर साहब इनसे शादी कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। उन्होंने ऐसी औरतों को समाज में मान्यता दिलाई और उनसे शादी करने को पुण्य बताया। कुछ विद्वान मोहम्मद साहब के शादियों को तत्कालीन परिस्थितियों और रणनीतियों का हिस्सा भी मानते हैं। उनके बाद इस्लाम के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी को हजरत आयशा ने बखूबी निभाया था। तो दोस्तों, जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये सब बातें अलग अलग जगहों से ली गई हैं। इसे आप मोटा मोटा अंदाजा ये लगा सकते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने जो भी कहा था वो चढ़ाने के लिए या फिर नीचा दिखाने के लिए ही कहा था, जिसकी बात में उन्होंने माफी भी मांगी। अगर ईश्वर एक है तो दूसरे धर्म के ईश्वर को गाली देकर आपका भला कभी नहीं हो सकता। ईश्वर इंसान से तो बड़ा होता ही है, और अगर दूसरे धर्म का ईश्वर आपसे नाराज है और ईश्वर अल्लाह सब एक ही हैं तो आपका कल्याण कैसे हो सकता है। खैर दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। अगर आप सच के साथी हैं ना तो मुझे ट्विटर पर @PragyaLive नाम से खोजकर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। साथ आएंगे तो सच को और मजबूती मिलेगी, अज्ञानियों के सामने ज्ञान का दीपक जलाने वाले हाथ और बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो सच्चाई का उजाला होगा और सच्चाई का बोलबाला होगा, झूठ का मुँह काला होगा। जय हिंद, जय भारत।